ये यह पे लिखा है अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन इन विच सेवरल कंप्यूटर सिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल ओके मोर ओवर सिस्टम हैव देयर इंडिविजुअल प्रोसेसर एंड मेमोरी ऑल ऑफ दी सिस्टम हैव देयर इंडिविजुअल प्रोसेसर एंड मेमोरी ओके बट दे आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल स्ट्रांग सर्वर ओके नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है फर्दर मोर दीस प्रोसेसर कम्युनिकेट थ्रू हाई स्पीड बसेस these processes are basically communicated through high-speed bus or telephone line okay these individual systems that connect through a single system are called considered as single unit they are basically single unit considered as single unit okay we can also call them loosely coupled system distributed operating system ka another name with a loosely coupled system okay the individual component or system of a network or nodes nodes कलेक्शन ऑफ वेरियस नोट देट आर लोकेटेड एट वेरियस डिफरेंट टर्मिनल इच है सेंट्रल सर्वर अ इज्रॉन्ग सर्वर वेयर मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन आर परफॉर्म एक्चुअली क्या होता है कि आपकी एक जो लार्ज जॉब होती है बड़ी जॉब होती है उसको डिफरेंट नोट्स में जो लोकेटेड टर्मिनल पे डिफरेंट टर्मिनल्स तो, पे लोकेटेड है उनमें डिवाइड कर दिया जाता है ठीक है ताकि वर्किंग फास्ट हो एग्जीक्यूशन फास्ट हो ठीक है उसके बाद जब वो नोट अपना अलग अलग काम कर लेती है दीज are आर specialized in इन परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन जब वो कंप्यूटर्स अपना अलग अलग काम कर लेते हैं तब वो जो काम होता है वो कंबाइन करके सेंट्रल कंप्यूटर को देते हैं which इज बेसिकली द मेन स्ट्रॉन्गेस्ट कंप्यूटर ठीक है जैसे आपका इस example मैं आपको देती हूँ जैसे banks होते हैं ठीक दे आर डिफरेंट बैंक है एक बैंक की हर अलग अलग जगह पे बहुत सारी ब्रांचेस होती है पर वो सारी ब्रांचेस जो जो होती होती वो एक सेंट्रल सेंट्रल बैंक बैंक उस उस का बेस है है जहां पे लोकेशन से कनेक्टेड जितना भी डेटा उस बैंक वो बैंक से रिलेटेड सारा काम होता रहता है वो हर ब्रांचेस से उस सेंट्रल ब्रांच तक आता है ठीक है और सा, सारी ब्रांचेस जो है उस बैंक की वो सारी डिटेल सेंट्रल ब्रांच को देती है जिसको सेंट्रल ब्रांच लेटर ऑन प्रोसेस करती है ठीक है तो ये बेसिकली काम आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आर आर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ओके ओके एंड स्टिल दे लिंक्ड टुगेदर बाय अ अ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन चैनल और मीडियम सो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स भी होते हैं दो तरीके के होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स द फर्स्ट वन इज क्लाइंट सर्वर सिस्टम एंड द सेकंड वन इज पीयर टू पीयर सिस्टम

actually a client you are having your pc and you are searching in a google search engine aap ja rahe ho, search engine pick page and you are searching about a particular thing suppose you are searching about a, a prime minister of india you are searching you don't know who is the prime minister of india and you are searching about that in a particular google chrome okay you are searching about that okay so yeah is your computer hai, uh, in the user side computer this is particularly called what this is particularly called client

गूगल क्रोम के सर्वर पे ही तो रिक्वेस्ट जाएगी ना मैंने गूगल क्रोम पे करी है तो उसी के सर्वर पे ही रिक्वेस्ट जाएगी गूगल के तो गूगल के सर्वर पे दिट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स ऑल इन्फॉर्मेशन ठीक है वहां पे रिक्वेस्ट गई रिक्वेस्ट रीड हुई की हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया

पेजेस उन्होंने एक पर्टिकुलर वेब पेज पे डिस्प्ले करके मुझे रिस्पांस के थ्रू दे दिए ये दिया उन्होंने सर्वर ने मुझे रिस्पांस तो मैं देखती मेरे पास एक पेज आता है जिसमें सेवरल सेवरल वेब जगह के लिंक आते हैं कि अलग अलग जगह के लिंक आते हैं एक लिंक ऊपर है एक लिंक के नीचे बहुत सारे लिंक आ जाते हैं इमेजेस आ जाती है बहुत सारी चीजें आ जाती है तो उन्होंने सारी नेसेसरी चीजें जो मैंने सर्च करने के लिए बोला एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में सारी इकट्ठा करके सर्वर ने एक जगह पे मुझे रिस्पॉन्स के रूप में दे दी

अब क्या होता है कि क्लाइंट जो होता है वो एक टाइम पे एक सर्वर को ही रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है एक क्लाइंट जो है वो एक टाइम पे सर्वर से एक ही रिक्वेस्ट तो जनरेट करेगा ठीक है अब आप ये मत बोलना कि हाँ कि मैंने लिखा है कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये दो अलग अलग नहीं बेटा ये एक ही रिक्वेस्ट होती है आपने एक ही रिक्वेस्ट जनरेट की है एक टाइम पे आप एक ही तो रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो किसी सर्वर पे बट अ सर्वर कैन हैंडल मल्टीपल रिक्वेस्ट एट अ टाइम क्योंकि हो सकता है उसको उसके पास तो बहुत सारे क्लाइंट है ना आप अपने आप को कंसिडर कर रहे हो बस लेकिन सर्वर जो है गूगल का मेन सर्वर उसको एक टाइम पे कितने लोग उसमें कुछ ना कुछ सर्च करते होंगे तो सर्वर कैन कैन हैव मल्टीपल रिक्वेस्ट जिसके रिगार्डिंग उसको रिस्पॉन्स देना है ठीक है लेकिन क्लाइंट तो बस एक टाइम पे एक ही रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है बट सर्वर कैन जनरेट सर्वर कैन गेट मल्टीपल रिक्वेस्ट ओके सो दिस इज बेसिकली द आइडिया ऑफ क्लाइंट सर्वर सिस्टम ठीक है ये यहाँ पे लिखा है कि इन दिस सिस्टम क्लाइंट रिक्वेस्ट द सर्वर फॉर अ रिसोर्स एक रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है आपने वो इन्फॉर्मेशन मांगी यू आर आस्किंग फॉर अ पर्टिकुलर रिसोर्स ठीक है uh, और ऑन द अदर हैंड द सर्वर प्रोवाइड दिस रिसोर्स टू द क्लाइंट और सर्वर जो होता है वो ये रिसोर्स क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं मैंने एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मांगी यू कैन आस्क फॉर समथिंग एल्स दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड रिसोर्स ओके वन क्लाइंट कांटेक्ट टू ओनली अ सिंगल सर्वर एट अ टाइम देखो वही बात नहीं कि एक क्लाइंट एक टाइम पे सिंगल सर्वर को ही कांटेक्ट कर सकता है ठीक है अ सिंगल सर्वर कैन डील विद मल्टीपल क्लाइंट साइमल्टेनियसली गूगल का सर्वर एक बार में कितने सारे क्लाइंट से डील करता कितने सारे लोग उस वेब ब्राउजर में कुछ ना कुछ सर्च करते होंगे एनी अनदर रियल टाइम एप्लीकेशन का एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जोमैटो देख लो आप जोमैटो में आप एक टाइम पे एक ही तो ऑर्डर कर सकते हो एक ऑर्डर का मतलब है एक टाइम पे एक ही रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो ये है ना बेसिकली मतलब और लेकिन सर्वर जो है जोमेटो को वो एक टाइम पे कितने क्लाइंट से डील कर रहा होता है एक टाइम पे कितने लोग वहां पे फूड डिलीवरी ऑर्डरिंग कर रहे होते हैं कितने टाइम एक टाइम पे पर्टिकुलर इंस्टेंट एक पर्टिकुलर सेकंड पे तो इसका मतलब है सर्वर कैन डील विद मल्टीपल क्लाइंट तो क्लाइंट कैन डील विद सिंगल सर्वर एट अ टाइम okay the client and server connect through a computer network in the system they are connected through a computer network in a system by a communication channels okay so this is basically the client server system i hope you guys are understanding that particular thing the next one is peer to peer system in peer to peer system there are different computer there are different computers that are connected through a communication channel there is no server at all in peer to peer system there is no server in the middle ओके okay, इसमें क्या होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर विद सिंगल शेयरिंग के पर्पज से ठीक है ये यहाँ पे लिखा है इन द सिस्टम नोट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल नोट मतलब कंप्यूटर सिस्टम ओके नोट मतलब कंप्यूटर सिस्टम ओके ऑल द वर्क इक्वली डिवाइडेड अमंग अमंग्स नोट्स के बीच में सारा वर्क डिवाइड कर दिया जाता है फर्दर मोर दीज नोट कैन शेयर डेटा रिसोर्सेज एज पर द रिक्वायरमेंट okay again they require a network to connect they also require a network to connect obviously uh, every connection require a network okay whether it is a client server connection whether it is a peer to peer system okay if you don't have any network access if you don't have any network access in your computer you can't search any particular thing on the browser okay you can't connect to any particular server if you don't have a network access so network is mandatory to connect to a

जो काम एक पर्टिकुलर सिस्टम करता पहले अब वो अलग अलग नोड्स में डिवाइड कर दिया ठीक है थीके? काम वही उतना ही काम हो रहा है पर ज्यादा रेट से मतलब हाई स्पीड से हो रहा है और कम लोड से हो रहा है

सेटअप करने की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ओके नेक्स्ट आता है फेलियर ऑफ मेन सिस्टम अब मैंने आपको क्लाइंट सर्वर सिस्टम बताया था सर्वर में कुछ फेलियर हो जाए वैसे तो ये बहुत ही रेयर होता है बट इफ योर सर्वर में कुछ फेलियर हो जाए सर्वर क्रैश हो जाए तो आपके जितने भी क्लाइंट है उनका सबका वर्क अफेक्ट करेगा दे डिडंट गेट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन

तो बहुत सारी चीजें जो डे टू डे लाइफ में उस रुक सकती हैं अगर आपका पर्टिकुलर सर्वर क्रैश हो गया एक सेकंड के लिए भी ठीक है तो इसके रिगार्डिंग प्रैक्टिकल काफी कॉन्शियसनेस होती है बट ये हाँ कंसीडर कर सकते हैं हम ये भी एक डिसएडवांटेज में ठीक है नेक्स्ट आता है प्रोग्रामिंग इस कॉम्प्लेक्स इतने सारे सिस्टम को एक साथ कनेक्ट करके रखना नेटवर्किंग के थ्रू ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है ओके okay? तो ये ना फीचर जो हमें मिल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में पहला है रिसोर्स शेयरिंग

डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नेक्स्ट इज कंकरेंसी कंकरेंसी इज बेसिकली रिफर्स दैट इतने सारे सिस्टम जो है साथ में काम कर रहे हैं वर्कलोड जो एक सिस्टम पे पड़ना चाहिए था सारा वर्कलोड जो एक सिस्टम पे पड़ना चाहिए था वर्कलोड उस, उस को सारे नोड्स ने आपस में बांट दिया अब कंसीडर करो कि अगर ऐसा होता कि एक बैंक जो है पर्टिकुलर बैंक वो अपनी ब्रांचेस बनाता ही नहीं अलग अलग जगह में उस बैंक बैंक की ब्रांचेस है ही नहीं एक ही बैंक है एक ही जगह पे मान लो वो बैंक एक ही जगह पे और वो है हरियाणा में एक हरियाणा में ही है वो बैंक और अदर कहीं किसी भी जगह पे नहीं है तो जितने भी लोगों का अकाउंट उस बैंक में चाहे अलग अलग जगहों से है तो सारे उसी बैंक में आएंगे सारे उसी बैंक में क्वायरी देंगे तो वर्क लोड उस पर्टिकुलर बैंक एम्प्लॉय के लिए इम्प्लॉय के लिए और उस पर्टिकुलर बैंक के लिए कितना सारा हो जाएगा कितने सारे जगह के लोगों की बैंक ट्रांजेक्शन वो हैंडल करना उनका अकाउंट हैंडल करना ये सारी चीजें कितनी ज्यादा हो जाएगी एक पर्टिकुलर बैंक के लिए So, इसीलिए बैंक की अलग अलग ब्रांचेस बनाई जाती है अलग अलग जगह पे कि वो अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग टाइप लोगों से हैंडल करे ठीक है इसलिए बेसिकली ये नोट्स का सिस्टम आपका कंप्यूटर सिस्टम में भी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू भी आता है कि देर अलॉट ऑफ डेटा अलॉट ऑफ थिंग्स टू मैनेज तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में का कॉन्सेप्ट आता है ओके सो कंकरेंसी इज देयर ओके So I hope you guys understand the whole video of distributed operating system. And if you understand this, please hit the like button. Please hit, hit the subscribe button. And if you want to get notified with that particular types of videos, please uh, hit the notification bell also. Okay. Thank you.